हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज भी हम कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। जैसे आपको पता है कि राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से झटका लगा है। अब राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। इसे थोड़ा समझना ज़रूरी है कि ये जो मामला चल रहा था, ये राहुल गांधी ने जो 2 साल की सज़ा मिली है उसको सस्पेंड करने के लिए कोर्ट में अपील की थी। जो सज़ा हुई है उसके खिलाफ अपील ये हो चुकी है, और अपील में ये अपील नेचुरली पहले सेशन कोर्ट में होती है और उसके बाद फिर हाई कोर्ट में होती है। लेकिन ये जो सस्पेंड उनकी जो सज़ा है, 2 साल की सज़ा है, अगर उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, क्योंकि अपील हो गई है, तो सामान्य तौर पे यही होता है कि अगर आपने अपील की तो सज़ा सस्पेंड हो जाती है। जैसे कि लक्षद्वीप के जो सांसद हैं मोहम्मद, इनको 10 साल की सज़ा हुई थी, और केरल हाईकोर्ट ने जब इनकी सज़ा को स्थगित कर दिया क्योंकि इन्होंने अपील कर दी है, तो फिर इनको लोकसभा सदस्यता इनकी बच गई। अब राहुल गांधी को तभी उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल होगी जब इनकी सज़ा को सस्पेंड किया जाएगा। तो इनकी सज़ा को सस्पेंड नहीं हुआ, जब ये पहले सेशन कोर्ट में गए उन्होंने मना किया, फिर ये हाईकोर्ट में आए, हाईकोर्ट ने भी अब मना कर दिया, अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। इसको लेके बड़ा दिन भर आज चर्चा का विषय रहा। जब हाईकोर्ट का निर्णय आया तो भाजपा ने स्वागत किया, भाजपा ने कहा कि ये बिल्कुल सही निर्णय है। और चूँकि इसमें हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है, कहा है कि ये सीरियल ऑफेंडर है, यानी ये बार बार अपराध कर रहे हैं, बार बार ये गलत बयानी कर रहे हैं, लोगों की जो मान हानि कर रहे हैं। इस पर सावरकर के पोते इन्होंने भी मानहानि का मुकदमा किया हुआ है, और आरएसएस ने भी मानहानि का मुकदमा किया हुआ है। तो अब इसमें जो इशू बन रहा है, इशू ये है कि अगर इनकी सज़ा माफ़ नहीं हुई, सज़ा को सस्पेंड नहीं किया गया, सज़ा तो हो चुकी है, अब उस सज़ा के खिलाफ ये अपील कर चुके हैं, तो अभी पहले क्या है कि इनकी सज़ा को सस्पेंड किया जाए ताकि इनकी लोकसभा सदस्यता बरकरार रहे और 2024 के लोकसभा के चुनाव में लड़ सकें। तो अगर इनको सज़ा इनकी सस्पेंड हुई तो ये लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और सदस्यता तो इनकी चली ही गई है, वो एक ही शर्त पर वापस आ सकती है कि इनके पहले सज़ा इनको वो सस्पेंड हो और उसके बाद फिर ये अपील में ये बरी हो जाए। तो जिस तरह से कोर्टों का रवैया है, जो कोर्टों ने जो मेरिट्स देखे हैं, जो जैसे कोर्टों का कहना है कि ये सीरियल ऑफेंडर हैं, तो उस हिसाब से नहीं लगता कि इनको राहत मिलने वाली है। अब सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं कि वहाँ क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है इनको राहत मिल जाए, इनकी सज़ा को सस्पेंड कर दिया जाए, लेकिन जब मामला जाएगा कोर्ट में, इनकी जो सजा है उसको ख़त्म करने के लिए, तो तब उसमें क्या रुख लेता है कोर्ट, तब देखने वाली बात होगी। मित्रों, दूसरा आज राजस्थान को लेकर खबर है। जो आगामी 4 राज्यों के चुनाव हैं, उन चुनाव में आज बीजेपी ने 4 प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी हैं उनकी नियुक्ति की है। भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश का, ओम माथुर को छत्तीसगढ़ का, प्रहलाद जोशी को राजस्थान का, और प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना का प्रभारी बनाया है। और बीजेपी और या कांग्रेस में भी ये चलन है कि जब चुनाव होते हैं तो उनके प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं, और एक प्रभारी तो हमेशा रहता है परमानेंट, जैसे अभी राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह है। तो चुनाव के दौरान प्रहलाद जोशी रहेंगे, और राजस्थान के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है बीजेपी के लिए कि वहाँ गहलोत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और स्वाभाविक तौर पर वहाँ बीजेपी को अपर हैंड है। लेकिन अगर वहाँ जो इंटरनल झगड़ा है कि वो आपस में पार्टी के अंदर, उसको अगर नहीं सुलझाया गया तो फिर बीजेपी बाजी हार सकती है। यही कोशिश हो रही थी कि वसुंधरा का कोई विकल्प हो जिसको चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन कोई तैयार नहीं है। तैयार मतलब कि लीडरशिप कोई खड़ी नहीं हो पाएगी जो राजस्थान में सब लोगों को, सारे नेताओं को साथ लेके चले, और जब तक वसुंधरा है तब तक उनको माइनस भी नहीं किया जा सकता है। वसुंधरा ऐसी दिलदार और उनकी
स्टाइल है काम करने की, उनकी जो जो उनका रुतबा है वो किसी को भी चैलेंज कर सकती है, ये उनकी हनक है, तो इसलिए उनको माइनस करना आसान नहीं है। अभी सूत्रों ने बताया है कि बीजेपी वसुंधरा राजे को ही मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत करेगी, और अगर वसुंधरा राजे बनी, अगर वसुंधरा राजे बनी तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि बीजेपी राजस्थान में जीत जाएगी। ओम माथुर को छत्तीसगढ़ भेजा गया, छत्तीसगढ़ इस वक्त भूपेश बघेल अच्छा काम कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि भूपेश बघेल रिपीट करेंगे, लेकिन बीजेपी ने कमर कसी। आज प्रधानमंत्री की वहाँ एक जनसभा थी, सरकारी कार्यक्रम भी था और जनसभा भी थी, तो प्रधानमंत्री ने आज बहुत बड़ा आरोप लगाया कि शराब घोटाले में भूपेल सरकार, भूपेंद्र बघेल सरकार इन्वॉल्व है। जब पीएम अगर बोल रहे हैं तो उसका मतलब है, बहुत मतलब होता है। जैसे एनसीपी के नेताओं पर जब प्रधानमंत्री ने आरोप लगाए घोटालों के, तो उसके बाद फिर ईडी सीबीआई ने कार्रवाई की, और फिर आप उसका रिजल्ट क्या हुआ आपने देख लिया कि पूरी एनसीपी बीजेपी में यानी एनडीए में आ गई है। तो अब वो भूपेश बघेल के खिलाफ जो प्रधानमंत्री ने कहा है, इसका मतलब अब वो सर्किल चलना शुरू हो गया है। तो छत्तीसगढ़ में ओम माथुर बहुत ही सक्षम और मजबूत संगठन कार्यकर्ता है, ये निकालेंगे वहाँ। और मध्य प्रदेश में भूपेंद्र यादव को दिया गया, भूपेंद्र यादव भी संगठन के आदमी और कई चुनाव जिता चुके हैं बीजेपी को, तो इनके जाने से भी निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान को फायदा होगा। और प्रकाश जावड़ेकर को तेलंगाना भेजा गया है, तो तेलंगाना में इससे पहले अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने जी किशन रेड्डी जो कैबिनेट मंत्री हैं उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो ये कम्बिनेशन अच्छा रहेगा कि दोनों ही कैबिनेट में यहाँ साथी थे। अभी प्रकाश जावड़ेकर ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन सीनियोरिटी में प्रकाश जावड़ेकर आगे आते हैं तो निश्चित तौर पर बीजेपी को यहाँ फायदा होने वाला है। मित्रों, ब्रजभूषण शरण सिंह को 18 जुलाई को कोर्ट में तलब किया गया है, और ये जो मामला है, ये जो एक नाबालिग लड़की है जब उसने विड्रॉ किया अपना केस, तो उस मामले में सुनवाई के लिए। और इसके अलावा मतलब जो सिसोदिया और अन्य लोगों की 52 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हुई है, ईडी ने शराब घोटाले में जो आबकारी नीति दिल्ली सरकार ने बनाई थी उसके सिलसिले में मनीष सिसोदिया जेल में बंद है फरवरी से, और उससे पहले सत्येंद्र जैन बंद है। तो अब इसमें धन शोधन के मामले में करीबन 7 करोड़ 29 लाख रुपए मूल्य की कुल अचल संपत्तियां कुर्क करने के आदेश दिए हैं। और इसमें जो इनकी कुछ कुछ है, जैसे आरोपी इसमें राजेश जोशी है, मनोज सिसोदिया है, उसकी 2 संपत्तियां हैं, और ऐसे ही ब्रिंडिगो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड है, और एक और कंपनी उसकी 44 करोड़ की संपत्ति है। तो इस तरह से ईडी ने 52 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां जब्त की हैं। मित्रों, पश्चिम बंगाल में अभी चुनाव होने वाले हैं, और उन चुनाव में भाजपा कार्यकर्ता और एनसीपी जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भयानक युद्ध चल रहा है। वहाँ बम फोड़े जा रहे हैं, और आज वहाँ एक कार्यकर्ता को, कांग्रेस के कार्यकर्ता को पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी है। तो वहाँ बड़ा, जब से निगम चुनाव की घोषणा हुई है तब से वहाँ अफरा तफरी मची हुई है, और इस तरह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया। और इससे पहले भी आपने विधानसभा चुनाव देखा होगा, लोकसभा चुनाव देखा होगा, किस तरह से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ खून खराबा कर रहे हैं। और सवाल ये, बीजेपी वाले भी सवाल करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों नहीं ममता बनर्जी के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं? तो अभी तो ममता बनर्जी को जवाब देना है। मित्रों, अगर आपको याद हो, कल मध्य प्रदेश में एक बिगड़ेल लड़के ने एक आदिवासी लड़के के चेहरे पर पेशाब किया था, और उसके बाद से फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उसके पिता का हाथ पांव धोए थे, पांव धो के, और अपने को उनसे माफी मांगी थी। उसी पर ही नेहा सिंह राठौर जो एक लोक गायिका है, उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें आरएसएस के
व्यक्ति को आरएसएस वर्दी में किसी दूसरे के चेहरे पर पेशाब करते हुए दिखाया गया है। तो उसके बाद नेहा के खिलाफ इंदौर और भोपाल में एफआईआर लॉन्च कराई गई है, थाने में शिकायत कराई गई है। अब देखते हैं इसमें कि वहाँ की पुलिस क्या करती है, क्योंकि इसने जो किया है वो मानहानि किया है। तो देखते हैं इसमें आगे क्या हुआ। और मित्रों, इसके अलावा प्रधानमंत्री कल राजस्थान और तेलंगाना जाएंगे, और उसके बाद चूँकि चुनाव है उसके लिए वो बड़ी तैयारियां कर रहे हैं, वहाँ कुछ कुछ अनाउंसमेंट करनी है। तो कल जब कुछ और प्रधानमंत्री के बयान के बाद कुछ और डेवलपमेंट होगा वसुंधरा राज्य को, हो सकता है कल ही अनाउंस कर दें। अगर कर देती है तो फिर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।